Hello friends, this is your host Rachit Pangal. I hope you all are fit and fine. कल व्लॉग इसलिए नहीं डाला था भाई क्योंकि मैं देख रहा था आप लोगों को मतलब कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा और पड़ा आप लोगों को, तो इसलिए आप लोगों ने कहा कि भाई मैं वेट कर रहा हूँ, हम वेट कर रहे हैं आपके व्लॉग की, तो मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं गाँव में। आप लोगों ने बहुत सारी डिमांड करी थी कि भाई गांव जाओ, वो अपने देसी विलेज वाला व्लॉग बनाओ, तो आज हम विलेज मेरे गांव में जाने लग रहे हैं। सबसे पहले अपने खेतों में जाएंगे, उधर जाएंगे तो थोर हमारे साथ ही है, वहां जाके फिर खेलेंगे, थोड़ी बहुत हरकतें करेंगे, उसके बाद अपने घर पे जाएंगे, गाँव वाले घर पे। और मास्क इसलिए पहन रखे है क्योंकि आप सब लोग सबको पता ही है। और भैया देखो ये नाक पे है, एक कमेंट करा था एक ने, पापा को देख ले नाक पे रख रखा है, तने नीले रख रखा भाई, बोलते बोलते नाक से नीचे आ जाता है। मैंने भी, हाँ इसने भी नाक पे रख रखा है, आदित्य ने भी, थोर ने भी, थोर तो वो और बैठे थोर। पहुंच गए हम खेतों में, आपने टाइम लैप्स में देख ही लिया होगा, 5 सेकंड में भाई 20 किलोमीटर क्रॉस कर दिया, देखा और तुम तो 5 सेकंड में पीछे। पापा है, थोर भी होगा, यारा पीछे आओ, भी पीछे आओ मेरे सारे, मिल लो जल्दी जल्दी। हेलो हेलो पीपल, मुंह तो दिखा दे ब्लॉगर का। 2 दिन से मेरे स्विच ऑन नहीं आ रहे, आई एम सॉरी फॉर दैट। थोर तीन ही नहीं, वाह भाई बेटे, थोर स्पेशली 20 किलोमीटर आया पोटी करने के लिए। मैं बताती हूँ, मजेदार लगा मेरा वो खेत में आके, मैं मेरी यादें बताती हूँ करते बहुत हर रोज। हाँ मेरे पापा तो गांव में ही रहे हैं, मतलब कि पापा और मम्मी ही शिफ्ट हुए हैं शहर में, और मेरे जो ताऊ जी और है वो सारा परिवार तो गांव में ही रहता है, तो पापा और मम्मी शिफ्ट हुए थे, उसके बाद हम पैदा शहर में ही हुए, तो हम तो मानू और मैं तो शहर में ही पैदा हुए हैं, वहाँ ही रहे हैं, पर पापा और मम्मी तो, पापा भी गांव में रहे हैं, मम्मी भी गांव में ही रहे, नहीं मम्मी तो शहर में रही थी ना, मम्मी तो शहर में आधी जिंदगी, मम्मी आधी जिंदगी तो शहर में रही थी बचपन की, और फिर आधी जिंदगी गाँव में, और उसके बाद फिर परमानेंट शहर में। हाँ। मैं बताती हूँ, मैं याद है, हम मैं करने छोटे छोटे थे और ताऊ जी है ना, हमें बग्घी पे बिठा के लाते थे, वो बग्घी ऐसे ऐसे चलती थी और मैं ऐसे ऐसे डरती डरती चलती थी, और वो बग्घी चलाना आता है आप लोगों को पता, तो ऐसे जो आपका क्या होता है वो बलद, हाँ बल्द बोलते हैं, तो ओक्स को बल्द बोलते हैं जो मेल काउ होती है। हाँ तो जो बल्द होता है ना उसकी ना डंडी होती है, तो ना वो रस्सी होती है, हाँ। तो उसको इधर घुमाना हो ना तो इधर कर दो वो, ठीक है, इधर घुमाना हो तो इधर कर दो, और तेज भगाना हो तो पूछ पकड़ दो, और ब्रेक लगाना हो तो रस्सी थोड़ी सी ऐसे कर दो। हाँ अरे थोर आजकल सीख गया है पटांग उठा के सुसु करना। चलो चलो, और बताओ पापा जी आपकी यादें, आप वहाँ पे एक जामुन का पेड़ है ना, जामुन खाने के लिए बहुत ज्यादा, ये वाला जामुन का पेड़ है, यही हमारे यहाँ पे ही है किले आगे, ये जामुन का पेड़ है, और एक यहाँ पे था एक एक वो रहा जामुन का पेड़, इतनी ज्यादा मजेदार जामुन लगती थी, अभी भी तो लगती है, बारिशों का मौसम, हम तो ना पूरा अपना ना चदर चुदर ले आते थे, मम्मी नीचे बैठ जाती थी, अब सारी ये गेहूं की फसल है देखो सारी, अब हाँ। ये कटाई के लिए तैयार है, अब गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार है, ये कटाई शुरू हो जाएगी। हाँ आ जाओ आके, आ जाओ चलो, बाकी जो ये लोग नहीं दिख रहे ना, सारे आंदोलन में पहुंच रहे भाई, है पापा ज्यादातर सारे आंदोलन में पहुंच रहे हैं, ये जो लकड़ी इकट्ठी कर रखी है, हाँ यहाँ पे माल की वो लगता है, हनी 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 छत्ता लगता है इसमें। देखो कोई पूछ रहे थे ना कि ये वो रोहतक के पास गांव है, भाई मेरा गांव है हिसार के पास ही, 20 किलोमीटर होगा पापा, ये हिसार से जब आप हासी की तरफ जाते हो तो मायड़ आता है बीच में, मायड़ से राइट साइड में भगाड़ा है 4 किलोमीटर, तो मेरा गांव भगाड़ा है, भगाड़ा सारा पंगालों का ही गांव है, यहाँ पे सिर्फ पंगाल गोत के ही है सारे, है ना पापा जी, सारे पंगाल गोत के जाट है, जैसे मैं जाट हूँ ना तो सारे पंगाल गोत के ही है जाट। कौन सी अंकल, पता नहीं ये है अपने, यहाँ से लेके वो जो गाड़ी आ रही है ना, हाँ और ये गाड़ी लेके ये गाड़ी आ रही है,
गाड़ी आगे देख वो ये जो कोठा दिख रहा है हाँ वो ब्लू कलर का हाँ ये यहाँ से लेके और जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी वो और इस साइड पे ये जो दूसरा ये जो इससे आगे वाला उधर हाँ बोलो देखो भाई हम अभी अपने जल्दी जल्दी अर्बन एरियाज में रहते हैं बट द बेस्ट लाइफ इज इन रूरल एरियाज यहाँ पे सब कुछ अपना बढ़िया किसी की कोई चिंता ही नहीं होती बढ़िया जिंदगी जियो देखना एक बार देखो तो कितना यहाँ पे जो खुशबू आ रही है ना वो भी लेके मजा आ रहा है अलग मतलब की कहने का मतलब टाइम निकाल के जरूर आया करो हाँ। गाँव में पापा एक मिनट बताना कैसे फोटो लेनी चाहिए थी वो कैसे लेनी चाहिए ऐसे पकड़ के करने भाई तुम लोग इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो आपके जितने भी मम्मी पापा या पुराने तो थोड़े अपने से बड़ी जनरेशन है वो सब ऐसे ही फोटो खिंचवाते हैं या तो ऐसे पकड़ के या फिर किसी चीज के साथ ऐसे खड़े हो गए या तो ऐसे पकड़ के अभी पापा कहते ऐसे फोटो खिंचवानी चाहिए थी भाई थंबनेल के लिए या फिर ऐसे खड़े हो गए और जो लड़की आती है ऐसे करके मतलब हम मजाक नहीं उड़ा रहे पर वो उनकी जनरेशन ऐसी थी अब अपनी जनरेशन ऐसी है फोटोज ऐसी है अपनी जनरेशन वाले तो नू खिंचवाओ फोटो अपनी जनरेशन वाली फोटो ऐसे खिंचाती है लड़कियां पता नहीं इस हाथ में क्या चिपा होता है घर चलते आंटी बताऊंगी तेरे चल और पूरा खुश हो आगे पूरा खुश होया कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग कहोगे तो हम वहाँ पे रजबाए हैं वहाँ पे मतलब नहर है हमारी पिछली बार हम गए थे ठीक है पानी नहीं आ रहा इस बार पानी नहीं है कमेंट सेक्शन में बताना हम जरूर जाएंगे अगर आप कहोगे तो हम स्विमिंग पे लेके जाएंगे थोर को कमेंट सेक्शन में बताना ये देखो पूरी पूरी गेहूं की फसल है पूरी जहाँ जिस साइड देखोगे ना शुगर पे सारी तरफ यहाँ पे भागते हुए ना जो हवा लग रही है ना वो भी ठंडी ठंडी है शहतूत भी लग रहे हैं भाई ये लगे हुए देखो कितने सारे शहतूत है ये देखो कुछ दे ये रही ये देखो भाई ये देखो ये रे ये नीचे देखो कितने गिरे ये देखो कितने अरे मेरी तो देख लो ये मानो ने तोड़ी है थोरू ले बेटा सॉरी मेरे सर पे ओ खा गया टाइम में नहीं लगता नहीं नहीं नीचे गिरी हुई नहीं ये ले पांव से ये ले ये खा ले शहतूत बड़े मीठे होते भाई है इधर कोई धोन धून का भी कोई चक्कर नहीं होता इनका तो है ना पापा पापा इनको धोने का कोई सीन होता है इसमें रस देख मेरे वाले में बहुत था कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों ने खाई है ना जिस जिसने खाई है कमेंट सेक्शन में बताना हाँ भाई हमने खाई हुई है शहतूत और जिसने नहीं देखी भाई तो ये यहाँ पे हमारे लोकल उगते हैं पेड़ों पे पेड़ लगाते हैं तो ये हमारे इस रीजन की ये हमारे घर के पीछे भी है पर ये देखो ये देखो इसमें से ऐसे कलर छूट जाता है कलर नहीं मतलब ये जूस पर ये कपड़ों पे लग जाए तो उतरता नहीं है देखो ये देखो भाई ये देखना कितनी लग रही है ऊपर पापा और कर दे कैसा लग रहा है पापा यार मजा आ गया मजा आ गया मार लिया करो फिर गेड़े बचपन की याद ताजा होगी भाई ये देखो ऊपड़ गई मत चढ़ क्या जरूरत चढ़ने की एडवेंचर मेरे तो खट्टी आ गई है पागल काले काले खा काली थी मनु देखे तो चोट खा ले थोर बात सुनिए आप लोग ने अभी इसकी पापा कहते इस पे चढ़ी हुई ना देख पापा कहते देख बेटा कहते चोट खा ले मतलब कि कहीं चोट ना लग जाए कहती पापा चोट क्यों खाऊंगी शहतूत खाऊंगी गाइस हमारे इस मेरे इस मुश्किल काम के लिए लाइक ठोक दो लाइक ठोको भाई तुम्हें एक बार बताऊं मम्मी बताएगी इन दोनों को ये जो कपड़े खराब करके आई है ना ये नहीं एक दाग नहीं लग रहा अरे मुंह पर्पल कर रखा तो मुंह तो धुल जाएगा तो धुले तो कपड़े भीगे नहीं निशान नहीं जाएंगे मुंह से चले अच्छा मुंह से चले जाएंगे भाई ये मेथी बो रखी है मेथी ये बीट है कनक जब आपके जो जिसको हरा बोलते है ना हरा
वो काट के जब बग्गी में रखते हैं ना इतना ऊंचा ऊंचा हो जाता है, फिर उसके ऊपर बैठ के एडवेंचरस राइड होती है और फिर ना डर होता है कि कहीं कोई गड्ढा आए और मुड़े मेरे हॉट पॉट पर लगे। उनकी बात याद आ गई, हम जब गांव में धोख मारने आते थे ना तो ना हमारा जहाँ से फिर हम घर जाते हैं ना मंदिर से, बीच में एक दुकान आती है, अब उधर जब भी रुकते ना वो दुकान वाला बोलता चलो मुझे ले आओ ना, उसको पता था कि हम आगे अगर हमारी गाड़ी रुक रही है ना तो चालू भुजिया ला दी है, तो वो ला के देता था। अब वो दुकान अभी दिखाएंगे जो उनसे मानो कह रही है ना। सॉरी साइड में खड़ा है, कोई साइड में खड़ा है गाड़ी के तो थोड़ने उसको भोगते हैं। दुकान है मानो यहाँ से चालू भुजिया खाते थे। सकान बोल रही हूँ भी मारो शायद आज जा नहीं अंकल है तो जा ले क्या मानो अच्छा बढ़िया है लेके आइए चलो लेके आता हूँ मैं ले आता हूँ रॉटवाइलर। ये नमस्कार ये है चालू भुजिया मानो फेवरेट लोपाड़िया जी कितने हैं ये है के जो जी और जो बताऊ बस धन्यवाद ना ना बस आज के लिए काम हाँ बढ़िया भाई बढ़िया बढ़िया हाँ जमा बढ़िया गाइस लुक एट माय न्यू स्टोर कैसा लग रहा है अमेजिंग बचपन की यादें ताजा होगी मानोगी क्या मानोगी नहीं है कर लो दीदी की भी 10-10 रुपए बांट के हम दोनों 20 रुपए ही ले रहे हैं। दादा हमारे दादा आजकल दादा अमीर हो रहे हैं 200 रुपए का पकड़ाने लगे हमारा घर सारे इधर रहते दादा भी तुम्हारे साथ रहते ये मेरे दादा जी बैठे ये घर है हमारा सारा वहां तक पीछे तक और कब दादा कौन है बढ़िया है इधर हमारी बफेलो है ये देखो एक दिन मैं ना ये भैंसों को देखने आई हाँ देख बिचल जाएंगी मैं आराम से जा रही थी हाँ। मेरे को देख के थोर को देख के पूरी वो हो गया ना यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे रात को अंदर यहाँ रहती है ये इनकी तूड़ी वगैरह अपना बलद भी दिखाऊं क्या बलद बाहर बांध रखा ये अंदर आई कैन शो यू फ्रॉम हियर बट खतरा बहुत है मारे ये तूड़ी वाला ये तूड़ी पड़ी है वो भाई अंधेरे में दिखे नहीं तुम्हें यार है ये नहीं थोड़ी तो भाई चलो अब थोर को पकड़ता हूँ मैं उसको यहाँ पे गायों का हरा फटता है हाँ खरा चाकी चाकी दिखा दे रहे ये चाकी है ये मेरे ताऊ जी है ते कैमरे में ये मेरे पापा के बड़े भाई हैं देखो लग रही है ना कॉपी सेम नमस्ते मम्मी थोड़ी सी जोर से मेरी प्यारी मम्मी नमस्ते थोड़ी जोर से पहुंच गए घर पे ये रथ हो रही थोर को खाना दूंगा आज थोर के लिए दादाजी ना गांव वहां काम करते थे दादा हरिद्वार हाँ मेरे लिए गिफ्ट लाए कुंभ के मेले में गए थे दादाजी तो भाई थोर के ब्रेसलेट भी लाए ऐसे मत सोचना छोटा सा तो हाथ में नहीं आएगा ऐसे ही खुलता है हाँ। तो भाई थोर को भी खाना दे देते हैं तो व्लॉग की एंडिंग करते हैं कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा ये व्लॉग और आगे आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लो करो 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 कर लिया ना और लाइक भी कर दो भाई ये नीचे छोटा सा बटन है लाइक का दबा दो चलो फिर चलते हैं ओके बाय बाय आज मैं बंद कर रहा हूँ इसे आ जा फिर ओके बाय बाय।